वैसी ही तैसी। अब जाके बता अपने एड्रेस होगा, और तेरी वो बेगम साहबा उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। गजनफर, as usual on the mobile. गजनफर, तो आपका बास्केटबॉल का मैच है और वो चाहता है कि हम दोनों में से कोई एक तो जरूर जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सक्यूज कर दिया क्योंकि मैंने माहीन को और कुमेल को डिजाइनर के लेके जाना है 2 बजे। यार मेरी जान, कल मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग्स लाइंड अप ऑल डे, ये मैच वैसे कितने बजे है? That's not my problem. अब जाना तो पड़ेगा 2 बजे, मैंने तो एक्सक्यूज कर दिया। तो मैंने कहा दोपहर को मेरी मीटिंग है। लुक, दिस इज नॉट फेयर। ऐसा ही है, ये ले मां जी चाय। देख रहे हैं मम्मी, मुझे तो चाय देगी नहीं। हेलो बेगम साहिबा, वो जालिम ने मेरे दी को बहु मारे है, मेरे को थोड़े जे पैसे चाहिए, मेरे को डॉक्टर कोल के नवाजने है। वो नमानी दी बाबू एच मार के पान सटी है। अच्छा एक काम करो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आती हूँ। पहले हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ। कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा पुलिस स्टेशन, क्या हो गया भाई? मुझे जाना है, नाजमा नसीमा की बेटी उसको मार पड़ी है। I have to go. तस्कीन तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी रहो। माँ जी नहीं प्लीज। गजनफर, तस्कीन देखो अम्मी, अम्मी ठीक तो कह रही है, मेरा मतलब है बेहतर यही होगा कि तुम मजीद इन्वॉल्व ना हो। What do you mean? What I mean is तुम बात समझ नहीं रही, नाजमा का ये जो हाल हुआ है ना, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है तस्कीन। What? हाँ, तुमने फेके को ये मौका दिया कि वो नाजमा का ये हाल करे, अब तुम इसे मरवाना चाहते हो तो जाओ पुलिस में कंप्लेन करो। लेकिन एक बात याद रखो तस्कीन, कि फीके जैसे लोगों में और कोई बात हो ना हो, झूठी गैरत और अना की बहुतात होती है। तुमने उसकी बीवी को उसके खिलाफ करने की कोशिश की है ना, वो ये साबित कर रहा है कि से किसी का डर नहीं, बीवी इसकी मिल्कियत है। वो एक इंसान है माँ जी। लेकिन यही उनके तौर तरीके हैं तस्कीन। देखो तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, प्लीज बात समझने की कोशिश करो, ये उनके आए दिन के मसले हैं। तो मेरे सामने तो पहली दफा हुआ है ना, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं मदद के लिए जाना चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ मैं। तुम उनसे दूर रहोगी, समझी? माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे हुमैरा बन, तुम अचानक? मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, खुशी से नहीं आई इस घर, तो आने को मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, बस किस्मत बार 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 ला खड़ा करती है। चाची जी, अरे अब खड़ी क्यों है, प्लीज तशरीफ रखिए ना। और आप कैसी हैं चाची जी? कैसी हो सकती है एक माँ जिसका जवान बेटा जवानी से लेके उधेड़ उम्र तक सिर्फ तन्हा अपना सफर तय कर रहा हो, कैसी हो सकती है वो माँ? आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। बस बैठने नहीं आई मैं, बल्कि मैं तुम लोगों को कुछ सुनाने के लिए आई, जो तुम लोग अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। आप अपनी बेटी को रोकती क्यों नहीं है? अरे क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, क्यों जोक की तरह उसे चिमटी हुई है वो? तुम अपने बेटे को क्यों नहीं रोकती हूँ मेरा? वाह बे वाह, अरे कुछ पता भी है आपको? खानदानी लोग आप जैसी माओ जो अपनी बेटियों को ऐसे मामलात में पुष्प नहीं करे ना उसकी, क्या कहते हैं बताओ। चाची जी आपको कोई हक नहीं है मेरी अम्मी से इस तरह बात करने का। अच्छा जी, लेकिन तुम्हारी बहन को ये हक है ना कि वो मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ी रहे और उसे जोक की तरह चिमटी रहे। अरे समझाओ उसे कि अकल के नाखून ले और छोड़ दे मेरे बेटे की जान। बस करें चाची जी, ये कोई तरीका है? हमारे ही घर में खड़े होकर आप हमारी बहन के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। ए बस बेबी बस, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे खानदान के मामलात में बोलने के लिए। चाची जी शायद आप भूल रही हैं, ये मेरी अहलिया है,
यही तो वजह है कि ये तुम्हारी बीवी है। असल फसाद की जड़ ये है, ये इसका कोई तुक नहीं बनता हमारे मामलात में बोलने की। अरे सारे झगड़े में यही तो दीवार बनी खड़ी है। लेकिन अब ये दीवार जो है ना, वो मैं नहीं गिरने दूंगी। अगर किसी ने अब कोई भी बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं रोकती? सुन ली, बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें। क्यों नहीं रोकती, क्यों नहीं रोकती? क्या मुंह लग रही हो, क्या बातें करके गई हो? पच्चीस साल हो चुके हैं, मतलब get over it। हुमैरा ने जो गलत बातें की ना, उसमें एक बात ठीक थी कि वजह तुम हो। कितनी देर कर दी तुमने? आंटी दो बार कॉल कर चुकी है। सॉरी यार, मैं फोन कर भूल गया था। Here you go. Oh my God, man. आज कैसे ख्याल आया? रास्ते में एक फकीर ने दिए थे, उसने कहा किसी के लिए ले जाओ। Sweet. अच्छा लग रहा है ना? Look pretty. Just like you. ये वही है ना जिसने हमारी एंगेजमेंट के बाद भी तुम्हें प्रपोज। दफा करो, लेट्स गो। सुनो मैं, वेल नो, दफा करो, चलो। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या बेवकूफ, चुपचाप दीजिए। नहीं तो क्या कर लेगा तू? हैं? इन गाड़ी में बैठो तुम। उधर क्या देख रहा है? मुझे देख। क्या मसला तुझेगा? मसला तो है, मसला जिनका है सोचना भी मत। मालूम नहीं मंगनी हुई भी है हमारी, शादी होने वाली है। सोच तो मैं बहुत कुछ। किसे मैंने पसंद किया था वो भी पहले प्रपोज भी किया था ना। जय और आगे भी करूंगा। कुमार माइन गाड़ी में बैठो। नहीं 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 नहीं, वो अब अंदर नहीं बैठ सकती, क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आएगी तू वहां नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ लूंगा। माइन, हेलो आंटी। कब से तुम लोग का वेट कर रही हूँ मैं आंटी। वो आंटी ओह रियली, इज एवरीथिंग ऑल राइट? की लड़ाई हो गई है दो लड़कों से, उसको मार। कहाँ हो तुम लोग? पहुंच रही हूँ मैं। माफ़ कर दीजिए।